हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमावत्स क्लासेस। इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ में आज रेस्टोरेशन ड्रामा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रेस्टोरेशन एज के पॉलिटिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स और साथ में ड्राइडन को पढ़ा, जो कि मेन राइटर थे इस एज के, और देखा मेन मेन राइटिंग्स उनकी। और आज देखेंगे रेस्टोरेशन ड्रामा में पर्टिकुलर हेरोइक ट्रेजडी को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक गैनर माना जाता है रेस्टोरेशन एज का। रेस्टोरेशन ड्रामा में हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखें, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें वीडियोस को। डेविड डैचीज अपनी बुक अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में लिखते हैं रेस्टोरेशन ड्रामा के बारे में, द रिएक्शन अगेंस्ट प्यूरिटन मैनर्स एंड मॉरल्स। ये माना जाता है कि जब क्वेलियर्स वापस आए फ्रांस से, तो उन्होंने जो है वो अपने साथ फ्रेंच विट लेके आए, और फ्रांस से काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए जिनसे कि यहाँ पर एक इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी नई चीज़ें हुई आई जो हैं। और जो चीफ डेवलपमेंट है इस पीरियड का, वो रिवाइवल ऑफ ड्रामा माना जाता है। प्यूरिटन्स ने क्लोज किए थे थिएटर 1642 में, और उसके बाद 14 ईयर्स तक कोई भी रेगुलर परफॉर्मेंसेस नहीं हुई ड्रामा में। देन इन 1656 सर विलियम डी एवनेंट ऑब्टेन द परमिशन टू ओपन द पब्लिक एन एलेगोरिकल एंटरटेनमेंट बाय द डेक्लेमेशन एंड म्यूजिक आफ्टर द मैनर ऑफ एंशियंट। माना जाता है कि जो डी एवनेंट हैं, उन्होंने ही हेरोइक ट्रेजडी को शुरू किया रेस्टोरेशन एज में, और उनकी जो वो राइटिंग थी, फर्स्ट राइटिंग द सीज ऑफ रोड्स। अब हम देखेंगे रेस्टोरेशन ड्रामा में मेन राइटर्स ऑफ हेरोइक ट्रेजडी, और सबसे पहले जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ही रोट बोथ कॉमेडीज एंड ट्रेजडीज। हिज फेमस हेरोइक प्लेज और ट्रेजडीज आर टायनिक लव और रॉयल मार्टियर इन 1669, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा इन 1670, औरंगजेब इन 1675, द इंडियन क्वीन इन 1664, द इंडियन एम्परर इन 1665 एंड ऑल फॉर लव। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हेरोइक ट्रेजडी की क्या क्या थी देखिए। रिटन इन राइम्ड कपलेट्स, हेरोइक ट्रेजडी जो है वो राइम कपलेट्स में लिखी जाती थी, हेरोइक कपलेट्स में लिखी जाती थी। एंड ऑलवेज डीलिंग इन अ हाई रियट्रिकल मैनर विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ऑनर, आएगा यहाँ पर लव एंड ऑनर, बिटवीन लव एंड ऑनर। इन्फ्लुएंस्ड विद एलिजाबेथन ट्रेजडी, हीरोज आर वैलियंट फाइटर्स एंड पैशनेट लवर्स, दे आर ट्रैप्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर पैशन एज लवर्स एंड देयर ऑनर एज फ्रेंड्स एंड रूलर्स। स्ट्रॉन्ग डेक्लेमेटरी सेट पीसेज, हाईली स्टाइलाइज्ड मेडिटेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, अरिस्टोटेलियन इफेक्ट्स ऑफ पीटी एंड फेयर। जो राइटर थे रेस्टोरेशन ट्रेजडी के, उन्होंने कॉर्निल से जो अरिस्टोटेलियन इफेक्ट्स थे पीटी और फेयर के, ये माना जाता है कॉर्निल से इन्होंने लिए। और जो हीरो होता था वो जो है एक अनफॉर्चुनेट, एक तरीके से अनफॉर्चुनेट पर्सन दिखाया गया। एंड जो दो मेन क्वालिटी थी हीरो की, पैशन और वैलर दिखाए गए। नेक्स्ट राइटर देखते हैं, जॉर्ज कार्टराइट की जो राइटिंग है हीरोइक लवर्स, ये माना जाता है कि हीरोइक लवर्स जो है वहाँ से स्टार्ट हुई हीरोइक ट्रेजडी। सबसे पहले डी एवनेंट की आई, और उसके बाद जो है हीरोइक लवर्स 1661 में, और उसके बाद सारी जो ड्राइडन की राइटिंग्स हैं वो आई। नेक्स्ट है रोजर बॉयली, और इन्होंने 6 मेन ट्रेजडीज लिखी, लेकिन जो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजडी है, ट्रेजडी ऑफ मुस्तफ़ा इन 1665। नेक्स्ट राइटर है नदानियल ली, 1653 to 1692, एंड द मेन राइटिंग्स ऑफ दिस राइटर द राइवर्स, ल्यूसियस एंड फनियस ब्रूटस, नीरो एंड स्फोनिस्बा। नेक्स्ट है थॉमस ऑटवे, थॉमस ऑटवे जो है वो लेट हेरोइक ट्रेजडी उनकी मानी जाती हैं।
ये 1652 से 1685, और इनकी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटिंग्स हैं द ऑर्फन और द अनहैप्पी मैरिज, वेनिस प्रिजर्व्ड और अ प्लॉट डिस्कवर्ड। ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।